नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 के करीब 8 मुकाबले बीत चुके हैं और यहां पर सीएसके की टीम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट और सबसे कामयाब टीमों में से एक सीएसके की यह दुर्दशा होगी, किसी ने नहीं सोचा था। 3 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको उनके आखिरी मैच में रोका, उसके बाद उससे पहले उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने हराया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ भले ही सीएसके ने जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन इसमें जो डोमेस्टिक खिलाड़ी उनका कोई योगदान नहीं था, ना ही केदार जाधव, ना रविंद्र जडेजा, ना महेंद्र सिंह धोनी। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी जिस चीज के लिए जाने जाते थे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक वॉरियर के रूप में वो टीम के साथ आते थे और जबरदस्त प्रदर्शन करते थे। यहां धोनी नंबर 7 पर बैटिंग करने आ रहे हैं और उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच जिताने की जरूरत थी तो वो नंबर 6 पर आए, थोड़ा एहसान किया और नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए। इस बात को लेकर अजय जडेजा ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, एमएस धोनी को हम उसी अवतार में जानते हैं जिस अवतार के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत बड़े कप्तान हैं और बहुत बड़ी सर्विस दी है उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम पर। उनके बारे में बात करने के लिए शायद एक तरीके से हम कहें तो हमारी औकात नहीं है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिकेट के जानकार हैं, जो फैंस, आप फैंस से ही क्रिकेटर्स बनते हैं और क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलती है, तो फैंस की जो डिमांड है वो तो ये चाहते हैं कि सीएसके की टीम बेहतर प्रदर्शन करे। हो सकता है धोनी का लास्ट सीजन हो या फिर हो सकता है धोनी अगले सीजन में लास्ट बार खेले, लेकिन क्या फैंस की ख्वाहिश को पूरा करना सीएसके का फर्ज नहीं है? क्या कप्तान एमएस धोनी का फर्ज नहीं है? तमाम कमेंटेटर्स पूछ चुके हैं, आप कह रहे हैं कि भाई जो टीम के लिए बेहतर होगा मैं वो करूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो समझ नहीं दिख रही है, इंटेंट आपका नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ठीक है, आपने ये बात कही कि भाई ठीक है मैं टीम के लिए मैं बल्लेबाजी करूंगा या फिर टीम जहां मुझे बोलेगी मैं वहां बल्लेबाजी करूंगा। यू आर द कैप्टन ऑफ दिस टीम, अगर टीम हारती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर टीम जीतती है तो यू ऑल्सो गेट द क्रेडिट। अब एमएस धोनी क्या टीम के लिए यह अच्छा नहीं था कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते या नंबर 5 पर? आप जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ा सा समय लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, उस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं जो 2-3-4 बॉल समझने में लेते हैं पिच को, और एक बार ये सेट होते हैं तो फिर ये लंबी लंबी बॉल टांगते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर एमएस धोनी को थोड़ा सा आगे बैटिंग करने आनी चाहिए थी। ये जो लोगों की राय है, दिग्गज खिलाड़ियों की राय, इवन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं एएनपी न्यूज के, उनका भी यही कहना है कि एमएस धोनी शुड बैट एट नंबर 4 और शुड बैट एट नंबर 5। नंबर 5 से नीचे आप फिर नहीं कर सकते। आपको पता है आपके पास फायर पावर नहीं है। शेन वॉटसन इज नॉट इन गुड फॉर्म। मुरली विजय क्यों है, मजबूरी में खिलाया जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। नंबर 3 फाफ डुप्लेसी ने कोशिश की है, उनका भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है। नंबर 4 आप केदार जाधव को भेज दे रहे हैं या फिर किसी को भी भेजते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी इस टीम का हिस्सा है, ऋतुराज को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कोरोना से उठ के आए हैं, मानते हैं आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी, लेकिन आपको अपने आप को साबित करना है। आईपीएल के लिए लाखों प्लेयर्स जो है हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, तो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? और जब एमएस धोनी को पता है कि इतना बड़ा गड्ढा है, हमारे पास फायर पावर नहीं है, देयर इज नो अंबाती रायडू, अब हो सकता है अगले मैच में वो अवेलेबल हो, तो आप क्या पहले बैटिंग करने नहीं आ सकते? अब सीएसके की टीम कमबैक कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल। अगर कमबैक करना चाहती है तो एमएस धोनी को बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। खबरों की माने तो एक लोकल इंटरव्यू में वहां पर एमएस धोनी ने साफ कहा है कि अगर टीम को जरूरत लग गई कि भाई मैं जल्दी बल्लेबाजी करने आऊं तो मैं जल्दी बल्लेबाजी करने आऊंगा। हम उम्मीद करते हैं कि सीएसके की टीम को यह जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर एमएस धोनी नंबर 4 नंबर 5 नहीं खेलेंगे तो इस बार देयर इज नो सुरेश रैना, देयर इज नो हरभजन सिंह, इन दो खिलाड़ियों के बिना तो वैसे भी ये टीम थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। ड्वेन ब्रावो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता है। अगर आप ड्वेन ब्रावो 90% भी फिट है, 80% भी फिट है, आप मुरली विजय की जगह खिला लो यार उनको, अब एज बैट्समैन ही खिला लो। मुरली विजय से तो बहुत बेटर खिलाड़ी है। तो अपने आप को साबित करने के लिए अब सीएसके के पास कमबैक का मौका है। देखना होगा कि अगला मैच जो उनका 2 अक्टूबर को है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, वहां पर वो कैसे वापसी करते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना है, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है, क्या एमएस धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।